हेलो बच्चों, मैं सोनू जहांगीर नव भारती परिवार में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 कक्षा 6 का, जीवन नहीं मरा करता है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जीवन नहीं मरा करता है कविता है ये कविता श्री गोपालदास नीरज जी द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले हम इनका कवि परिचय स्टार्ट करते हैं। कवि परिचय हम पढ़ेंगे। प्रेम सौंदर्य व उद्बोधन के मधुर गायक श्री गोपालदास नीरज का जन्म 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश इटावा जिले के पुरावली गांव में हुआ था। इन्होंने हिंदी साहित्य से एमए किया। मुंबई फिल्म जगत के संगीतकार के रूप में इनकी प्रतिभा उभर कर सामने आई। फिल्मों में गीत लेखन का सिलसिला अनेक फिल्मों जैसे कि मेरा नाम जोकर, प्रेम पुजारी आदि में जारी रहा। 19 जुलाई सन 2018 में इनका देहावसान हो गया। नीरज जी को विश्व उर्दू परिषद पुरस्कार, पद्मश्री सम्मान तथा 3 बार फिल्म फेयर जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दर्द दिया, प्राण गीत, नीरज की पाती, गीत भी अगीत भी, नदी किनारे आदि, ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो अब हम इनकी कविता शुरू करते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। प्रस्तुत कविता में कवि कहता है कि यदि हमारा कोई सपना पूरा ना हो पाए या समय से पहले ही टूट जाए तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें छिप छिप कर नहीं रोना चाहिए, हमें अपने आँखों में जो हमारे आँखों में जो मोती रूपी आंसू है उन्हें हमें व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सके तो हमारा जीवन समाप्त नहीं हो सकता, नहीं होता। इस कविता में कवि ने मनुष्य को आगे बढ़ने के बारे में बताया है। यदि जीवन में कुछ मुश्किलें आ जाएं तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उन मुश्किलों का हमें डट कर सामना करना चाहिए। कवि कहता है कि कुछ अगर यदि गलत हो जाए तो हमें रोना नहीं चाहिए। अपने सपनों के टूटने से हमारे जीवन का अंत नहीं होता है, हमें आगे बढ़कर सामना करना चाहिए। आगे देखिए, सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका जो जागो कच्ची नींद की जवानी। इसमें कवि कहता है कि हमें बंद कवि कहता है कि सपना तो बंद आंखों और खुली आंखों द्वारा देखे जाते हैं। सपना तो कच्ची नींद की तरह होता है, यानी कुछ मुसीबतें आ जाने से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कवि कहता है कि सपना तो आँख का पानी होता है जो बहता है, और उसका टूटना तो मानो कच्ची नींद से जागना, यानी कि आंखें बंद करके सपने देखना गलत है, और खुलने पर अगर उसका बह जाए तो वो और भी ज़्यादा गलत है। यानी कि हमें सपना तो देखना चाहिए लेकिन हमें उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। गीली उमर बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। में कवि कहता है कि रो रो कर जीवन व्यतीत करने वालों, दुख के साथ जीवन जीने वालों, छोटी छोटी लड़ाई हो जाने से घर नहीं टूटा करते। हम अपने जीवन में कुछ खोते नहीं हैं, बस समय के साथ बदल जाते हैं। जैसे रात के बाद सुबह आती है, सुबह क्या लेकर आती है? सुबह धूप लेकर आती है, यानी हर रात के बाद में नया सवेरा ज़रूर होता है। आगे देखिए, माला बिखर गई तो क्या, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। इसमें कवि कहता है कि यदि माला अगर टूटकर बिखर गई तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे आंसू पर लोगों का ध्यान जाता है तो हमें समझना चाहिए कि हमारी तपस्या पूरी हो गई। परिस्थितियों से हार कर रूठ जाना समस्या का हल नहीं होता, बल्कि उस समस्या का हमें सामना करना चाहिए।
रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। इसमें कवि कहता है कि यदि कमीज फट जाए तो उसे सिला लेना चाहिए, हमें उसे फेंकना नहीं चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आंगन में जलते दियों में से यदि कुछ दिए बुझ जाए तो जो बाकी के दिए हैं वो आंगन में अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं। इसमें कवि कहता है कि हमें हमारे जो कपड़े अगर फट जाते हैं तो हमें उसको सिलाना चाहिए, ना कि हम उसे फेंकना चाहिए। और यदि हमारे आंगन में कुछ दिए अगर बुझ जाएं, कुछ दियों में से यदि कुछ दिए अगर बुझ जाएं तो उन दियों से हमारे आंगन में जो प्रकाश है वो कम नहीं होता। आगे देखिए, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। इसमें कवि कहता है कि बच्चों, यहाँ पर जिल्द का मतलब क्या होता है? जिल्द यानी होता है जो पुस्तक होती है उसका बाहरी आवरण। इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल उसका रूप बदलता रहता है। जैसे रात के बाद का दिन आना, ऐसा लगता है मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतार कर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए हों। आगे देखिए, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। इसमें कवि कहता है कि यदि वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, कुछ सपने टूटे जाने पर या खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। हमें ये समझना चाहिए कि यदि बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाते हैं या कुछ खो जाते हैं तो उनके खिलौनों के टूटने से बच्चों की जो सेहत होती है, बच्चों का जो आनंद होता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। वो थोड़ी देर के लिए तो उदास होते हैं लेकिन वो फिर वापस से भूल जाते हैं और अपने आनंद में खो जाते हैं। आगे देखिए, कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वैसी है तट पर। इसमें कवि कहता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में शिकन का अर्थ होता है चिंता करना, पनघट का अर्थ है वह स्थान जहाँ पे लोग पानी भरने जाते हैं, किश्तियां यानी नाव, तम का अर्थ है अंधकार, लौ का अर्थ है उजाला, उपवन यानी बगीचा, पनघट पर पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। तो इस पंक्तियों में कवि कहता है कि जाने कितनी गगरियां फूटी, यानी कि आए दिन वहाँ पे पनघट पर पानी भरने वालों की मटकियाँ टूटती रहती है, परंतु पनघट भी उस चीज़ का शोक नहीं मनाता है। वहाँ की चहल पहल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। निराशावादी दृष्टिकोण रखने से मन मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता है। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लोग की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा। तम का अर्थ होता है अंधेरा, लौ यानी उजाला, उपवन यानी बगीचा। इसमें कवि कहता है कि निराशावादी दृष्टिकोण रखने से मन मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता है और आशा रूपी प्रकाश की लौ की आयु कम हो जाती है। जैसे पतझड़ आता है और उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु बसंत के आते ही सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं पतझड़ के लाख कोशिशों के बाद भी उपवन हरा भरा रहता है। अब आगे देखते हैं, लूट लिया माली ने उपवन, लूटी ने लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद हुई ना धूल की। इसमें कवि कहता है कि माली प्रतिदिन उपवन के सभी फूलों को तोड़ लेता है, लेकिन वह वहाँ की जो सुगंध होती है, फैली हुई सुगंध होती है, उसको नहीं लूट सकता। तूफान आते रहते हैं,
परंतु सुगंध के स्रोत का भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका सुगंध को कोई छीन नहीं सकता। सुगंध तो वहाँ फूलों में, फूलों के आसपास फैली रहती है। सुगंध के तो फूलों के तोड़ने के बाद भी खुशबू वहाँ पे फैली रहती है। नेक्स्ट, नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है। इस कविता में कवि कहता है कि कुछ लोग सदा नफरत का भाव मन में लिए रहते हैं, ऐसे लोगों का काम होता है हर समय दूसरों की निंदा करते रहना, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि जो दर्पण होता है उसका काम होता है सदा सच्चाई दिखाना। तो बच्चों, ये पूरी कविता पढ़ने से हमें क्या सीख मिलती है? ये पूरी कविता हमें पढ़ने से सीख मिलती है कि हमें जीवन में छोटी छोटी असफलताएं मिलती रहती है, लेकिन हमें उन असफलताओं को दूर करके हमें सफलता पाने की कोशिश करती रहनी चाहिए, मेहनत करती रहना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम जीवन जीना छोड़ दें या हम अपनी हार मान लें। अभी तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और बड़े बड़ी सफलताएं हासिल करनी चाहिए। हमारे प्यारे बच्चों, हमारा जीवन बहुत ही खूबसूरत है, इसे हमें व्यर्थ के कामों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अच्छे अच्छे कार्य करके अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए। तो आपको ये कविता पसंद आई होगी। अब हम आगे इसके शब्दार्थ देखते हैं। अश्रु यानी आंसू, सेज यानी बिस्तर, चंद यानी थोड़ा सा, लौ यानी दिए की रोशनी, तम यानी अंधकार, रूठे दिवस यानी वे दिन जब भाग्य हमारा साथ नहीं देता, व्यर्थ यानी बेकार, नयन, आँखें, किश्तियाँ, छोटी नावें, दर्पण यानी शीशा, गीली उम्र यानी कम आयु वाले लोग, मुखड़ों यानी कि लोगों के जो चेहरे होते हैं उसे मुखड़ा कहते हैं। तो बच्चों, ये कविता आपको बहुत पसंद आई होगी। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।